विदिशा जिले के पठारी क्षेत्र में पिछले 30 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर उत्पन्न हो गई है। सभी नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे खुरई, राहतगढ़, मंडी बरमौरा और बसौदा में यातायात बाधित हो गया है। रेटी बांध परियोजना के 5 गेट खुले होने के कारण निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पठारी नगर के फॉर्म चौराहे पर कई मकानों में पानी भर गया है। पठारी छपरा मार्ग पर रेहटी नदी में लगभग 5 फुट पानी भर गया है, जिससे खेतों में पानी फैलने से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। पठारी गजबा सौदा मार्ग पर केवट नदी के पुल पर पानी भरने के कारण यातायात बाधित हो रहा। गांव किसनौदा के निवासियों ने नाला पार करने के लिए रस्सी का उपयोग किया। गजबा सौदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उकायला के आसपास बघरू और पलकू नदियों में अधिक पानी भरने से गांव के स्कूल और कई मकान घेरे में आ गए हैं। बघरू नदी के पुल पर पानी भरने के कारण यातायात बंद हो गया है। रेटी नदी में पानी की अधिकता को देखते हुए TI विमलेश राय ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया है। तहसीलदार अभिषेक पांडे ने प्रभावित गांवों के निवासियों से अपील की है कि यदि नदी नालों का पानी गांव की तरफ बढ़ता दिखे तो तुरंत प्रशासन और पुलिस को सूचित करें। कोटावारों को सक्रिय किया गया ताकि वे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर ग्रामीणों को सूचित करें और प्रशासन को अवगत कराएं, जिससे प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद कर सके। Oh,
अभी तो लग गया।